हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज जो है इसमें हम MHI 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पता करेंगे कि कौन कौन से हैं, और यही क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप पेपर अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। पूरा 100 नंबर का पेपर इसी वीडियो में से आपका आने वाला है, ठीक है। वैसे अगर आप बात किया चैप्टर की तो कुल मिला के आपके बुक में 32 चैप्टर हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा चैप्टर हैं। बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते 32 चैप्टर अपने जॉब की वजह से या किसी और कार्य की वजह से या फिर लेट हो गए इस वजह से, तो इसलिए उन बच्चों के लिए स्पेशल तौर से वीडियो है। बाकी ये सबके लिए ही है क्योंकि सबके सिलेबस बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इसके अंदर। बाकी MHI 1st, 2nd, 4th और 5, इन सब के ही आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और पक्की गारंटी है यही आने वाला है आपके पेपर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहला आता है हमारी MHI 1-2 की पहली बुक, ठीक है। इसमें जो है 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला चैप्टर का नाम है पुनर्जागरण और व्यक्तिवाद। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो आपकी पहली बुक है वो 20 नंबर की पक्की आएगी ही आएगी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है आपको कि इसमें 3 चैप्टर दिए गए हैं। मेन बात यह है कि इसमें तीनों में से मेन चैप्टर कौन सा है। तो सबसे पहला जिसमें मेन चैप्टर है वो है आपको ज्ञानोदय का। ज्ञानोदय लोग कौन से थे, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, ये आपका 2nd नंबर का चैप्टर है। बाकी 3rd चैप्टर जो है उसमें उसकी आलोचना दी गई है, तो ये भी आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आलोचना। अगर मान लीजिए ज्ञानोदय क्वेश्चन नहीं आता, ये आ गया ज्ञानोदय की आलोचना करिए, तो आप 5-6 पेज में आलोचना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जो है आलोचना करने से पहले थोड़ा सा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ज्ञानोदय है क्या। और साथ साथ ही पहला चैप्टर जो है, ये मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप इसको भी कर लीजिए। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ज्ञानोदय या गणोदय का आलोचना ना के पुनर्जागरण का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये बुक तो आपको आनी ही चाहिए। और हाँ, इसको जो है प्रबोधन काल भी बोलते हैं ज्ञानोदय को, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपके 20 नंबर क्लियर होते हैं। बाकी जो आपकी 2nd बुक है, और 2nd बुक, हाँ, इसमें जो है राज्य के सिद्धांत पहला चैप्टर है, और या फिर एक और है इसमें 6th नंबर का चैप्टर सामाजिक संरचना। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। बाकी जो 5वां चैप्टर है वो बहुत बार उससे क्वेश्चन नहीं बना। अगर इन दोनों से बात करें मेन कौन सा है, तो राज्य के सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये ज्ञानोदय और उसकी आलोचना। पुनर्जागरण भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट में ही इसको गिनेंगे। बाकी राज्य के सिद्धांत हम इम्पोर्टेंट में गिनेंगे और इसको भी इम्पोर्टेंट में ही गिनेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट बुक, इसमें है नौकरशाहीकरण। नौकरशाहीकरण वैसे देखिए कम ही बनता है, पर लेकिन लास्ट टाइम में ये दिसंबर में ही बना है, और जहाँ तक है ये जुलाई में भी बना है, और ये 10 नंबर का बनता है नौकरशाहीकरण का क्वेश्चन। बाकी इसकी वीडियो हमने बनाई भी है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वाली किताब के अंदर कुछ भी नहीं है इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी। फिर आपका नेक्स्ट जो बुक आती है उसमें है वाणिज्यिक पूंजीवाद। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला चैप्टर, फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको कर लीजिए। अगर थोड़ा और टाइम बचे आप तो अल्प विकास एक बार मोटे तौर पर पढ़ सकते हैं, नहीं तो अल्प विकास को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर जो आता है नेक्स्ट मेन चैप्टर है आपका बिल्कुल, ये आता है राजनीति क्रांति, ठीक है। राजनीतिक क्रांति है आपकी, और इसमें जो है राजनीतिक क्रांति फ्रांस और रूस इन दोनों की दी गई है। ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, इनमें से जो है मुख्य रूप से वैसे फ्रांस की क्रांति के ऊपर ही आता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपका 20 नंबर में आपका, मैं कहूँगा कि ये भी क्लियर होता है। बाकी ये जो हमारा चैप्टर है साम्राज्यवाद यूरोप का विस्तार, जो बुक है हमारी उसके अंदर से आता है साम्राज्यवाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये मान लीजिए कि 5 में से 5 बार लास्ट टाइम पूरा बना है ये, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ ही उपनिवेशवाद जो है 5 में से 4 बार बना है, ठीक है। इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इस हिसाब से। बाकी हमारा एक चैप्टर और है उपभोक्तावाद, ये हमारी लास्ट की किताब का चैप्टर है, ठीक है। तो इसको जो है उपभोक्तावाद काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये मान लीजिए 5 में से 4 बार ये चैप्टर बन चुका है आपका, उपभोक्तावाद के ऊपर क्वेश्चन बना है, और एक क्वेश्चन और बनता है हमारा। कुल मिला के वैसे जो है काफ़ी हद तक बुक कम्प्लीट हो ही जाती है हमारी इसके अंदर। एक है जनसंख्या की, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हर बार बनता ही बनता है। इसमें जो है मुख्य रूप से मैंने आपको 4 क्वेश्चन ऐसे बताए हैं, 3 से लेकर 4 क्वेश्चन जो 100% आपके आने ही आने वाले हैं। पर लेकिन हाँ, मैं आपको एक एडवाइस बिल्कुल दूंगा कि जितने मैंने टॉपिक दिए हैं आप इन सबको अगर एक साथ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि नहीं आने वाला तो छोड़ देता हूँ इसको,
उसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि बाद में आप मुझे दोष मत दीजिएगा। बाकी जो जो भी मैंने इसमें बताया है, अगर आप इनको सबको क्लियर कर लेते हैं, इस बात की मेरी गारंटी है कि आप पेपर में बैग नहीं ला सकते, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार इस मॉडल का दिखा देता हूँ, सारे टॉपिक कौन कौन से हैं। कुल मिला के गाइस ये टॉपिक हैं सारे के सारे, मैंने आपके सम्मुख रख दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको बार बार दिक्कत ना पड़े। और हाँ, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था फिलहाल के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और लाइक कीजिए मत कीजिए पर वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाना उसके बाद में, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।